नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत गुप्ता एक स्टार्टअप कंसल्टेंट हूं और आपके स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ही पैशनेट हूं। दोस्तों, कुछ सवाल अक्सर पूछे जाते हैं कि क्या बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवाने से सेल में इजाफा हो सकता है, बिजनेस करने के लिए कौन कौन से रजिस्ट्रेशन करवाने जरूरी होते हैं, क्या बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवाने से कोई नुकसान भी है, इत्यादि इत्यादि। आज ऐसे ही बहुत से सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। इस वीडियो के अंत तक बने रहें और साथ ही साथ दोस्तों एक बात और, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर जरूर कर दें ताकि ये इन्फॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जरा सोच के बताइए कि बिजनेस की सेल किस एक बात पर टिकी है। आप कह सकते हैं मार्केटिंग पर या प्रोडक्ट पर, नहीं, बिजनेस की सेल टिकी है ट्रस्ट पर। आप कितनी भी अच्छी मार्केटिंग कर लें, कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लें, लेकिन जब तक आपकी कंपनी पर आपके कस्टमर का ट्रस्ट नहीं होगा, तब तक आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज नहीं बेची जा सकती। इसी ट्रस्ट को हम ब्रांड वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अच्छा प्रोडक्ट ना बनाएं, अच्छी सर्विस ना दें या अच्छी मार्केटिंग ना करें, ये सब भी फैक्टर हैं ट्रस्ट जनरेट करने के लिए। लेकिन बिजनेस के शुरुआती दिनों में आप अपने कस्टमर को ट्रस्ट कैसे दिलाएंगे? जी हाँ दोस्तों, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, ये ही एकमात्र रास्ता बचता है एक स्टार्टअप के लिए अपने कस्टमर्स को ट्रस्ट दिलाने का। दोस्तों, भारत एक विशाल देश है जो अलग अलग राज्यों में बटा हुआ है, जहां केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी जरूरत के हिसाब से बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाती रहती हैं और अलग अलग इंडस्ट्री और बिजनेस के साइज के हिसाब से अलग अलग टाइप के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और लाइसेंस जारी करती हैं। और यही रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसेज आम पब्लिक में ट्रस्ट पैदा करते हैं, स्पेसिफिकली बिजनेस के शुरुआती दिनों में। और ट्रस्ट ही तो बिजनेस की सेल है ना दोस्तों। दोस्तों, बिजनेस रजिस्ट्रेशन को मुख्यतः 7 भागों में बांटा जा सकता है। इसमें सबसे पहला है कंपनी रजिस्ट्रेशन। बिजनेस करने के लिए बिजनेस की आइडेंटिटी खुद से अलग क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है। ऐसा कई वजह से जरूरी होता है, चाहे आपने लोन लेना हो, फंडिंग करवानी हो, टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाना हो, ट्रेडमार्क करवाना हो या सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना हो। आपसे आपकी बिजनेस प्रोफाइल मांगी ही जाती है। अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है तो यह सब कर पाना आपके लिए आसान है, पर अगर बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर आप इन सब कामों को इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा कोई भी कस्टमर किसी भी ऐसी कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस लेने से कतराता है जो कि अभी तक रजिस्टर्ड भी नहीं हुई है। यदि आपका बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है तो संभवतः आप अधिकतर कस्टमर खो देंगे। इसलिए बिजनेस को रजिस्टर्ड कराना सबसे इम्पोर्टेंट काम है, क्योंकि इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से बिजनेस की सेल में बढ़ोतरी की जा सकती है। दोस्तों, दूसरा है IPR रजिस्ट्रेशन। IPR यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसमें कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, डिजाइन पेटेंट आदि सम्मिलित हैं। ये रजिस्ट्रेशन आपके बिजनेस को कॉम्पिटिटर की बुरी नज़र से बचाता है और दो तरीके से आपके बिजनेस को सेफ गार्ड प्रदान करता है। पहला तो आपके कॉम्पिटिटर को आपके ब्रांड आइडिया क्रिएटिविटी की कॉपी करने से रोकता है। दूसरा, गलती से आप किसी और ब्रांड के आइडिया क्रिएटिविटी को कॉपी कर रहे हैं तो भी ये ब्रांड ओनर की तरफ से आने वाली भारी भरकम रकम से आपके बिजनेस को बचाता है। IPR रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट तौर पर आपकी सेल को आपके ब्रांड आइडिया क्रिएटिविटी के कॉपी होने की वजह से होने वाले सेल में डिक्लाइन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपने अभी बिजनेस शुरू नहीं भी किया है तो आप इस रजिस्ट्रेशन को इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी करवा सकते हैं और बाद में जब आप बिजनेस शुरू करें तब आप इस रजिस्ट्रेशन का उपयोग बिना किसी फेरबदल के कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर 3 है टैक्स रिलेटेड रजिस्ट्रेशन। हमारे देश में पहले कई तरह के इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे, जो कि अलग अलग स्टेज पर अलग अलग स्टेट के हिसाब से बिजनेस पर लागू होते थे, जिसकी वजह से कई प्रकार के टैक्स रजिस्ट्रेशन कराने होते थे। पर 2016 में अब कुछ टैक्सेस को छोड़कर उनकी जगह पर GST को लागू किया गया है,
जिन कंपनियों का जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है उनकी सेल्स उन कंपनियों की तुलना में अधिक होती है जिनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? दरअसल हर पहले स्टेज पर दिए गए टैक्सेस के अगेंस्ट में इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि ITC आप अगली स्टेज पर ले जा सकते हैं। पर यहाँ एक बात जो आपके लिए जानना जरूरी है वो ये कि ITC आप तभी ले सकते हैं जब आपका बिजनेस GST में रजिस्टर्ड हो। अगर आपका बिजनेस GST में रजिस्टर्ड नहीं है तो ना सिर्फ आप खुद भी ITC का लाभ नहीं ले सकते बल्कि आपका कस्टमर भी आपके दिए हुए टैक्स के अगेंस्ट में ITC क्लेम नहीं कर सकता। इसलिए GST रजिस्ट्रेशन से आपकी सेल्स को फायदा होगा ही होगा, आपके बिजनेस की गुडविल भी बढ़ेगी। दोस्तों नंबर 4 है एम्प्लॉय रिलेटेड रजिस्ट्रेशन। जब आपका बिजनेस बड़ा होता जाता है तो आपको ज्यादा एम्प्लॉयज की जरूरत भी होती है और जब भी आप अपने बिजनेस के लिए टैलेंटेड मैन पावर की खोज करते हैं तो एम्प्लॉय रिलेटेड रजिस्ट्रेशन जैसे कि PF, ESI, लेबर लॉ, फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाने होते हैं जो ना सिर्फ गवर्नमेंट के अनुसार मैंडेटरी हैं बल्कि आपके एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए भी जरूरी है। दोस्तों गवर्नमेंट के अनुसार तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज या फिर प्लेस ऑफ बिजनेस के आधार पर रजिस्ट्रेशन जरूरी होते हैं, पर इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि अच्छे एम्प्लॉय जो कि एक्सपीरियंस हों, टैलेंटेड भी हों, जो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज की क्वालिटी को बढ़ाकर आपके लिए बिजनेस और सेल्स को इंक्रीज कर सकें तो उन्हें हायर करने के लिए ये रजिस्ट्रेशन कराने ही होंगे, क्योंकि हर एम्प्लॉय ये चाहता है कि वो किसी ऐसी कंपनी में काम करे जो गवर्नमेंट के रूल्स का पालन करते हुए उन्हें सभी जरूरी कंपनसेशन एंड बेनिफिट प्रोवाइड करवाए। दोस्तों नंबर 5 है कंपनी ऑब्जेक्टिव वाइज रजिस्ट्रेशन। कुछ प्रोडक्ट सर्विसेज और बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिन्हें करने के लिए आपको नेचर ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग स्पेशल रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस प्राप्त करना होता है, जैसे कि रेरा फॉर बिल्डर्स, ड्रग लाइसेंस फॉर फार्मा, डॉट लाइसेंस फॉर कॉल सेंटर्स, पसारा लाइसेंस फॉर सिक्योरिटी सर्विसेज इत्यादि। दोस्तों ये कुछ ऐसे फील्ड हैं जिनमें बिजनेस करने के लिए जब तक आप कंपनी रजिस्ट्रेशन के अलावा अलग से ये रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस नहीं लेते तब तक या तो इनमें बिजनेस नहीं कर सकते या फिर बिजनेस करने के बाद भी आपकी सेल्स और ग्रोथ की संभावना ना के बराबर होती है, क्योंकि बिना इस स्पेशल रजिस्ट्रेशन के आपका कस्टमर आपसे डील ही नहीं करेगा। तो अगर आप भी इस तरह का कोई बिजनेस कर रहे हैं या फ्यूचर में करना चाहते हैं तो अपनी बिजनेस की बेहतर ग्रोथ और सेल्स बढ़ाने के लिए ये स्पेशल ऑब्जेक्टिव वाइज रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें। दोस्तों नंबर 6 पर है प्रोडक्ट और सर्विसेज की गुणवत्ता बताने वाले रजिस्ट्रेशन। आज हम ज्वेलरी खरीदने से पहले देखते हैं कि हॉलमार्क लगा है या नहीं, फूड आइटम में डील करने से पहले देखते हैं कि फसाई यानी फूड लाइसेंस है या नहीं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीदने से पहले देखते हैं कि वो प्रोडक्ट एगमार्क है या नहीं, और सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है ISO सर्टिफिकेशन जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज की गुणवत्ता को दर्शाता है जरूर देखा जाता है। ये सभी प्रकार के रजिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेट कस्टमर को गारंटी एंड सिक्योरिटी की फीलिंग देते हैं और उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि वो जो भी प्रोडक्ट या सर्विस ले रहे हैं उनकी गुणवत्ता क्वालिटी 100% है। मिडिल क्लास अधिकतर उन्हीं चीज़ों पर खर्च करता है जहां क्वालिटी की गारंटी हो। दोस्तों कोई भी कंपनी अपने बारे में कितनी भी बढ़िया मार्केटिंग करे पर यदि उसके प्रोडक्ट या सर्विसेज की क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता पर कस्टमर को यकीन ना हो तो फिर उस कंपनी के लिए सेल इम्प्रूव करना लगभग नामुमकिन है। किसी भी बिजनेस में थोड़ी बहुत सेल तो साधारण तरीकों से हो सकती है, पर यदि किसी भी बिजनेस में सेल्स का ग्राफ को बढ़ाना है और अपने बिजनेस को लोकल बाउंड्री से आगे एक्सपेंड करके किसी राज्य, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाना है तो उसे इस प्रकार के रजिस्ट्रेशन करवाने ही होंगे। दोस्तों नंबर 7 है सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए रजिस्ट्रेशन। सरकार चाहे किसी भी देश की हो उनका मकसद होता है कि व्यवसाय को आगे बढ़ाने के ज्यादा से ज्यादा प्रयास किए जाएं, क्योंकि ये बिजनेस ही हैं जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दोस्तों यदि बिजनेस ज्यादा होगा तो एम्प्लॉयमेंट के अवसर ज्यादा होंगे, अर्थव्यवस्था का पहिया ज्यादा तेजी से घूमेगा, देश ज्यादा तेजी से तरक्की करेगा और इसलिए सरकार
हर वक्त नई नई योजनाओं के माध्यम से बिजनेसेस को सहायता करने का प्रयास करती रहती है, जैसे कि टैक्स सेविंग स्कीम्स, ATG 12AA रजिस्ट्रेशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम, स्टार्टअप इंडिया स्कीम, मेक इन इंडिया स्कीम, मुद्रा लोन, सिडबी लोन, MSME लोन। दोस्तों, बहुत लंबी लिस्ट है ऐसे रजिस्ट्रेशन जिनको करवाने से आपके बिजनेस को कई सारी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है। दोस्तों, अगर आप इन सभी रजिस्ट्रेशन के बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो ऊपर आ रहे कार्ड पर क्लिक करें। इनके अलावा अगर अभी या फ्यूचर में किसी भी बिजनेस रजिस्ट्रेशन के बारे में कंसल्ट करना चाहते हैं तो न्यूसो स्टार्टअप माइंड के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके हमारे एक्सपर्ट स्टार्टअप कंसल्टेंट से कभी भी बात कर सकते हैं, जहां आपको सभी बिजनेस रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हर तरह के सवालों का जवाब आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, वैसे दुनिया में हर चीज को देखने के लिए दो नजरिए होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा, और इसलिए कई बार आपको भी ऐसा लग सकता है कि बिजनेस को रजिस्ट्रेशन कराने के कुछ नुकसान भी हैं। जैसे बिजनेस रजिस्टर होगा तो आप सरकार की नजरों में आ जाएंगे, आपको बिजनेस के कंप्लायंसेस पर भी हर साल पैसा खर्च करना पड़ेगा, टैक्सेस भी देने होंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी कंपनी के रजिस्ट्रेशन और कंप्लायंसेस में आपको कुछ खर्च जरूर करना पड़ता है, लेकिन उसके बदले में आपको जो फायदे मिलते हैं इसमें होने वाले खर्च की तुलना में बहुत ज़्यादा हैं। जैसे एक रजिस्टर्ड कंपनी को लोन ज़्यादा आसानी से मिलता है, कोई भी सरकारी स्कीम हो उनका बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड कंपनी को ही मिलता है, कस्टमर का भरोसा भी किसी रजिस्टर्ड कंपनी पर ही ज़्यादा होता है, जिससे उसकी सेल भी ज़्यादा होती है। और सबसे बड़ा फायदा, अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है तो कोई भी आपके बिजनेस की कॉपी नहीं कर सकता, और तो और अच्छे एम्प्लॉय को रजिस्टर्ड बिजनेस ही अट्रैक्ट कर सकते हैं। और सबसे आखिर में दोस्तों, अगर अब भी आपको लगता है कि कंपनी रजिस्ट्रेशन करने से बिजनेस को नुकसान होगा तो एक बात पर गौर करिए, दुनिया की सभी बड़ी कंपनियां जैसे टाटा, रिलायंस, फेसबुक, ओयो, ओला, उबर, आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, क्या आपको एक ऐसी बड़ी कंपनी का नाम याद है जो अनरजिस्टर्ड हो? याद आया कोई नाम? नहीं ना, क्योंकि दोस्तों बिना रजिस्ट्रेशन कराए आप किसी भी बिजनेस को बड़ा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। ठीक वैसे ही जैसे पतंग को उड़ाने के लिए उसे धागे से बांधना पड़ता है, वैसे ही बिजनेस को ऊंची उड़ान देने के लिए आपको अपने आप को गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा, वरना आप भूल जाइए कि आपका बिजनेस बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो दोस्तों, आपके स्टार्टअप के सक्सेसफुल होने की कामना लिए अब अपने इस दोस्त हेमंत गुप्ता को इजाजत दीजिए। थैंक यू दोस्तों।